है देखो, ये होगा रॉकेट, ये बढ़िया अपना स्पेस स्टेशन है, यहाँ पे आग लगाई और ये रॉकेट लॉन्च हो गया ऊपर, है ना। जब रॉकेट लॉन्च हो रहा होगा तो अपन तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, समय शून्य पर वेलोसिटी जीरो। अब क्या होता है रॉकेट में, जब तक रॉकेट ऊपर जाता है ना, इसमें जब तक फ्यूल है तब तक तो इसका फ्यूल जलता रहेगा, इसको एक्सेलरेशन मिलता रहेगा और जाता रहेगा। एक पॉइंट के बाद ये होता है, जैसे कि मैं थोड़ा रॉकेट को नीचे बना लेता हूँ तो हमारा डायग्राम आ जाएगा। अब देखो, एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि फ्यूल हो जाता है खत्म, फ्यूल फिनिश, एम्प्टी, फिनिश नहीं एम्प्टी है ना, फ्यूल हो जाता है एम्प्टी। लेकिन रॉकेट के पास यहां तक कुछ तो वेलोसिटी आई गई है, तो भी रॉकेट कोशिश करता है ऊपर जाने की। अब देखो, यहां पर ना वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ थी और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ था। यहां पर वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो रॉकेट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो। अब हम ग्राफ में पढ़ते हैं, मैं ग्राफ में पॉइंट मार्क करता हूं। जीरो पॉइंट हमारा ये है, मान लेते हैं यहां से फ्लाइट उड़ी, जीरो, ये ओ पॉइंट। ए पॉइंट कहाँ होगा, ए पॉइंट यहाँ होगा सर, ये ए पॉइंट होगा। कैसे होगा ये ए पॉइंट, क्योंकि देखो यहाँ पर फ्यूल खत्म हो गया, यहाँ तक क्या था, यहाँ तक एक्सेलरेशन था और यहाँ पे क्या आ गया, रिटार्डेशन बी, या मैं कह दूँ बी की जगह पे जी, जी से क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव जी जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। कब तक लग रहा है, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। ये आ गया हमारा बी पॉइंट। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद है ना सर रॉकेट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा बी के बाद में, ये सी पॉइंट कहीं यहाँ कहीं मिल रहा होगा, है ना। तो ये था रॉकेट का डायग्राम और ये था उसका ग्राफ। अब पढ़ते हैं द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट। तो सब बच्चे जवाब दो मेरे को, मैक्सिमम हाइट ए पॉइंट पे अटेंड हुई है या बी पॉइंट पे। ये डायग्राम देखो, जमीन से ऊंचाई तो ये है ना बेटा अधिकतम उसकी, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेंड हुई है, मैक्सिमम हाइट अटेंड एट पॉइंट बी। तो पहले तो वी से ए तक का, अब देखो यहां पर ना एक होता है अपना वही पुराना तरीका करने का और एक होता है ग्राफ से स्मार्टली ग्राफ करने का। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो यहां तक का बी पॉइंट तक का एरिया निकालो, बी पॉइंट तक का एरिया डिस्टेंस जो देगा वही तो तुम्हारी मैक्सिमम हाइट होगी। तो लिखो हाफ, बेस कितना है 120 सेकेंड्स, हाइट कितनी है ये वाली, ये हाइट है 1000, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ए पॉइंट पे तुम्हें वेलोसिटी दी हुई है 1000 डायग्राम के हिसाब से, ये है ना। तो ये काट दो इससे 60, तो ये कितना हो गया 60,000 मीटर पर सेकेंड, जिसको लिखते मीटर, सॉरी हाइट पूछी ना, 60 किलोमीटर। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड। समझ में आया कि रॉकेट क्या होता है और उसका ग्राफ कैसा बनता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, सेम क्वेश्चन का एक और पार्ट है जिसमें कि वो पूछ रहा है हाइट कवर्ड बाय द रॉकेट बिफोर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन से पहले मतलब, रिटार्डेशन से पहले मतलब ए पॉइंट तक उसने कितनी हाइट कवर करी ये बताओ, हाइट अटेंड, ये वाली हाइट पूछ रहा है। अरे ये तो बहुत आसान काम है। कैसे आसान काम है सर? अरे आसान है ना यार, अपन अब ये वाला एरिया निकाल देते हैं। ये वाला एरिया कितना होगा सर? अगर ये वाला एरिया दिखेंगे तो हाइट कवर्ड बाय द रॉकेट हाफ इंटू 20 सेकेंड लगे थे और चला कितना था 1000। अरे हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे ना, तो बेस तो 20 है और हाइट कितनी है 1000 है, तो ये क्या हो गया 10,000 मीटर विच इज नथिंग बट 10 किलोमीटर। So in this question we have seen two question, 152 and 153, which are related to this graph and this diagram. Okay, beta, samajh mein aaya?